बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं वापस आई गया रामियो। सो जी, अभी बज रहे हैं शाम के 5। हमाल में तेरे बाप को मत सिखा चल। और भाई की भी कॉल आई है कि जी कुर्बानी के लिए जानवर वो ले आए हैं। चल झूठा। तो एक बकरा और एक बड़ा लिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा उठे जरा देखते हैं कि कैसा जानवर लिया इन्होंने। और अभी मौसम हुआ है बड़ा स्मैक्सी किस्म का, बिकॉज सुबह टका के रेन हुई है। सो चलते हैं नीचे। लॉन में तो नहीं बांधा हुआ इन्होंने, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा किधर है बकरा और बैड़ा। तो खैर लॉन में तो नहीं है, देखते हैं किधर है और जाके आपको भी दिखाते हैं अपना कुर्बानी का जानवर। और भी आपको जानवर दिखाएंगे जो हमारे एरिया में आए हैं, कुछ जो दोस्तों ने लिए हैं हमारे, वो भी आपको दिखाएंगे। फुल डे बकरों और बैड़ों के साथ गुजरेगा। सो फिर लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। मानो जी कैसी हो, कैसी हो बताओ आप, ठीक हो? बाबा को एक हवा कर दो, एक हवा कर दो। थैंक यू। अच्छा जी, ये मेरी जान, मेरी जिंदगी। और इसके साथ अभी हम आए थे काऊ देखने, यार आपको भी दिखाते काऊ। मानो क्या दिखाएंगे? काऊ। तो अभी आपको दिखाते हैं अपनी काऊ। ये है जी हमारा माशाल्लाह कुर्बानी का जानवर, आप देख सकते हैं। और एक ये है और दूसरा जो है अंदर बकरा बंधा हुआ है, मगर ये थोड़ा सा ना, हाँ ये थोड़ा सा ना अथरा हुआ है। अथरा हुआ इन द सेंस के जी घर का पला हुआ है और किसी को करीब नहीं आने दे रहा। उधर पीछे फ़ोटो सेशन चल रहा है, हमारे नेबर्स हैं बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, तो बच्चों के साथ ज़रा फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे। तो डू टेल अस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जी आपको हमारा कुर्बानी का जानवर कैसा लगा। अभी आपको बकरा भी दिखाते हैं दूसरी साइड से जाके, क्योंकि ये सामने वाला गेट, तो यहाँ से इसने भारतीय फौज की तरह कब्जा कर लिया इस बैल ने हमारे गेट पे। तो चलते हैं दूसरी साइड पे और आपको दिखाते हैं बकरा भी, और भी आगे पीछे जो जानवर आए हुए हमारे मोहल्ले में वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है मानो जी। ओके ओके। अच्छा जी, ये है हमारा बकरा जो कि बिल्कुल छोटा सा है और हमने बच्चों के लिए लिया था। क्या चाल है? चल जा पहले का काम कर जाके। ओहो, इधर फिर गाली पड़ गई हमें। एक तो अपनी कोई इज्जत ही नहीं है कसम से। अपनी तो कोई इज्जत है ही नहीं, खाली डॉक्टर की इज्जत होती है। तो इसके बारे में भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारा ये बकरा कैसा लगा, एंड आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। तो मुझे तो अभी से यकीन करें कि इनके तिक्के बोटी नज़र आ रहे। सो लेट्स सी क्या सीन पार्ट है, इनको ज़रा खाना शाना देते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनको कुछ फिराने टुराने के लिए लेके जाते हैं। अभी और भी बल्कि बैठे आ रहे, वो भी आपको दिखाते हैं। सो स्टे विद अस। तू पकड़ा हुआ है ना, तूने पकी है रस्सी रखी इसको। हेलो, आपको पता है जी गाइस, हमारी इधर जानवरों से फटती है सख्त किस्म की, तो इसलिए पास जाते हुए भी डर लग रहा है भाई ने पकड़ा हुआ। ऊपर से मैंने ये शॉर्ट्स और रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, जिसकी वजह से ये देख रहे डर रहा है। अच्छा वो और अच्छा, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको अथर गया लग रहा है, क्या हमें कपड़े चेंज करके आने पड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे कपड़े चेंज करने के बाद, वरना इसने इसी तरह टकरे मारते रहने हमें। A few moments later. अच्छा जी गाइज, अभी हम सवार हो चुके हैं गाड़ी में एज यू कैन सी, और अभी हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त की तरफ। भाई है हमारा समीर,
जो कि इधर ही रहता है, और उनके जानवरों की जो चॉइस है ना बड़ी अच्छी है, हमेशा बड़ा ऊंचा लंबा खूबसूरत और तगड़ा वो जानवर लेते हैं कुर्बानी के लिए, उनकी तरफ जाते हैं और चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं उनका जानवर और देखते हैं क्या सीन पार्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। अच्छा जी गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने भाई की तरफ। समीरा जी कैसे हैं? ठीक है। और ये देखे जी कलेक्शन, इधर बकरा, वेड़ा वेड़ा वेड़ा, उधर भी वेड़ा और उधर भी वेड़ा, ये वाला जो है इनका, और माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत और ऊंचा लंबा और कदोकामत जानवर है। दोबारा ज़रा शुक्ल दिखाना ज़रा हमारे व्यूअर्स को। इधर भी खड़ा जी एक बड़ा, सॉरी ये भी है। ओ चलो जी दिखाते हैं आपको शुक्ल। ओ वैंस की दो ओ वैंस। ये जी ऊपर से उसको छेड़ा तो ये साइबेरियन हस्की बोल पड़ा है, ये क्यों तंग कर रहे हो मेरे दोस्त को। और जी समीरा जी किधर है सैफा? बागसरदार आप क्या लेने गया? बकरे। हाँ हमने भी एक बकरा लिया और एक बड़ा लिया, तो साथ मेरी फटती है थोड़ी, मेहरबानी करी कंट्रोल में रखी। यार ये ठीक है, वैसे तुम्हारे घर के साथ प्लॉट है मजे से बांधे हुए सारे। बेटा यार दोंदा फतेह जंगी कितने का लिया? ये हुआ जी 260 का। 260 का ठीक मिल गया यार। मंडी से? बाटा चौक है जी, मंडी बाटा चौक। बाटा चौक मंडी से लिया जी 260 का। ये चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है। आपको मैंने जैसे कहा था कि इनके जानवर वैसे भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं। बस इसको खिलाएंगे इंशाल्लाह। साबी लेने गए। कसाई का क्या किया? कसाई हो गया। हो गया? हाँ। यार कसाई नहीं पहनस की तो मिल रहा अभी तक। कसाई तो मिल जाएगा अभी इंशाल्लाह ताला करना ही है वली भाई के। अच्छा पेड़े आटे के लेकर आने हैं 10-12। अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा 2 किलो दूध उधर कामरान से लगा हुआ है यार, हमारा वाला बहुत अथरा हुआ है अभी देखते हैं ना यार। चलते हैं सैफा किधर है ख्वाजे करा। अच्छा जी वापस जा रहे जरा गाड़ी में और कुछ बजूके शजूके मार ले। समझ रहे हो? तो समझ रहे ना आप लोग, तो कहना ये खड़ी है सामने अपनी लाडो, और आपको दिखाते हैं यहाँ से नीचे बैरिया का व्यू भी। यस वाकई यार तुम्हारे घर से व्यू बड़ा फिट आता है भैंस के, तुम पूरा बैरिया। ये चेक करें जी गाइस फुल बैरिया का व्यू यहाँ से लेके ओ पीछे तक, ये सब बैरिया क्या नहीं, ये सब बैरिया ही बैरिया है, जैसे आप मोनाल के टॉप पे खड़े हुए, तो बहुत ही आउट क्लास व्यू। और ये है जी हमारे भाई का घर सामने सैफ समीर का, तो यहाँ से इनकी छत से खड़े होके ये व्यूज जो है ना आउट क्लास है यार। सो लेट्स गो इनसाइड, जरा सूटा शूटा मारते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी ये भी चल पड़े हैं वापस घर और जाके देखते हैं अपने जानवरों को क्या सूरत हाल है उनकी, उनको कुछ खाने खुने को दिया है कि नहीं भाई ने, और देखते हैं क्या सीन पार्ट है, तो घर पहुंच के आपसे फिर बात करते हैं। सो स्टे विद अस, आप इंजॉय करें राइड और घर पहुँच के आपसे बात होती है। तो फिर चले One hour later. अच्छा जी बॉयज ये चेक करें जी ये जोड़ी हमारी, उमर क्या हाल है? ठीक हो? फिट फाट। ये चेक करें जी जोड़ी माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, देसी और फतेह जंगी मिक्स ब्रीड है ये, और बहुत ही माशाल्लाह इनके ऊपर ये जो इनकी डेकोरेशन वगैरह की हुई है ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत की हुई है। चास आ गई कि नहीं? सो चेक दिस आउट। कितने के लिए उमर ये? 3-10 के लिए थे ना? 3,10,000 यानी 1,55,000 के एक पड़ा है, और जोड़ी जो है वो 3-10 की पड़ी है।
झूठ बोल रहा है। मगर यह कि हमारे जानवर की नस्बत काफ़ी शरीफ हैं। गाड़ी आ गई थी। अच्छा तो माशाल्लाह कद काट में भी ठीक है, गोश्त भी ठीक है, और ये वाला भी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये हमारा वाला उस वक्त आवाज़ें निकाल रहा है, अथरा हुआ है। क्या नज़र आई है? छुरी नज़र आई है। यार इतना तो बहुत है, इतना तो चलता है। वो वाला तो ये भी इसको घसीटता हुआ लेके गया, इसने काबू किया कामरान ने, वरना ये गया था, निकल गया था हाथ से। और नहीं हो, मैं नहीं हाथ लगाता। और वली भी एक्स्ट्रा फादर है, तुझे पता है। मैं तोते को हाथ नहीं लगाता तो लख दी नरक तेरे मुंह ते। चेक दिस आउट ब्यूटीज, क्या ना ब्यूटीज। ये वाला थोड़ा सा मस्ती का आ रहा है, मस्ती का आ रहे हैं, क्या ना ये तो मस्ती का आ रहा है। बाकी ये वाला जरा शरीफ है। सो और भी जो जो जानवर आते जाएंगे हमारे मोहल्ले में, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। ओके। अच्छा जी गाइस, फाइनली हमने अपने जानवर को अंदर कर दिया है और जा रहे पानी भरने पर। उससे पहले चेक दिस आउट, मौसम कितना स्मैक्सी किस्म का हुआ हुआ है और बिजली शदीद किस्म की चमक रही है, क्या ना। और बारिश जो है वो तैयार खड़ी है एज़ ऑलवेज़। कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त हो, ईद हो, बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, या कुछ भी हो, तो बारिश का होना लाजम है हमारे एरिया में, स्पेशली पिंडी में। तो चलते हैं अभी ये पानी की बोतलें भरने और आपसे रास्ते में बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं व्यूज़ फ्रॉम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो स्टे विद अस। अच्छा जी, इधर पानी की बोतलें, इधर फिल्ट्रेशन प्लांट एक पता नहीं मिला, ओए शुक्र है इसमें है। ज़रा पानी की बोतलें शोतलें ज़रा भर ले, क्योंकि कल ईद है तो ज़रूरत होगी पानी की। तो ज़रा फिल्ट्रेशन प्लांट पे आए हैं और बोतलें शोतलें भर ले और फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, अभी एज़ एक्सपेक्टेड जो बारिश बताई गई थी वो स्टार्ट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। ये लाइट लगी हुई है लॉन की और उसके ऊपर बारिश का पानी देखें ज़रा। तो खैर अच्छी बात है, मगर कल ना हो, क्योंकि कल है ईद और ईद वाले दिन बारिश होगी तो बड़ा काम ख़राब हो जाना है भाई। और वो हमारा जानवर जो है खड़ा हुआ है, इसको तो खैर बारिश में कुछ नहीं होना, बिकॉज़ गाँव के पले हुए और बारिश बरसात ऐसे इन्होंने बहुत से जो ख़राब मौसम इन्होंने देखे होते हैं, तो खैर इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये खड़ा है, बकरा जो है वो हमने अंदर कर दिया है और अब ये सारी रात बेचारा लॉन में इसी तरह भीगता रहेगा। तो खैर यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, और अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपनी राय से आगाह करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।